दोनों ओपनर बैट्समैन इस वक्त पिंटू पाटिल और मयूर आ चुके हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। खेलने वाली टीमें अक्षय इलेवन मालौड़ी बनाम डीओ इलेवन। टॉस जीता है अक्षय इलेवन मालौड़ी ने और पहले गेंदबाजी कर रही है। अगली दोनों टीमें अमान स्पोर्ट के कैप्टन और नारायण सेठ वड़पे के कैप्टन। एक इनिंग के खत्म होने से पहले आपको यहाँ टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। प्रशांत गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बैट्समैन पिंटू पाटिल। देखिए समय 25 मिनट का दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। पहली गेंद फ्लिक कर दिया उसे, खिलाड़ी मौजूद बैठे टीम के कैप्टन। पहली गेंद पर देखिए अक्षय इलेवन मालौड़ी। इस मरतबा इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है गेंद को, कवर्स में गेंद दूसरे के लिए पलट चुके हैं और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। खाता खुला इस वक्त डीओ इलेवन का, खाता खुला मयूर का। आप देख रहे हैं शिवांश ट्रॉफी 2020। खेलने वाली सभी टीमों का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से हम खैर मकदम करते हैं। प्रशांत गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम अक्षय इलेवन मालौड़ी के लिए। शाहिद जुड़ चुके हैं, कुदरत का अनमोल तोहफा, वेलकम। प्रशांत इस मरतबा गेंद की लाइन से हट के खेलना चाहते थे, एक और कैच, पूरी तरीके से अपनी ताकत को नहीं झोंक पाए और कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे और आउट हो गए बैट्समैन मयूर। दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त डीओ इलेवन को। अब नए बैट्समैन अबरार डीओ आए जिनसे काफ़ी उम्मीदें टीम के कैप्टन को, और आज अबरार डीओ का चलना ज़रूरी भी है क्योंकि टीम इस वक्त मुश्किल में खड़ी है। 2 रन बने, दो ऊपरी क्रम के जो बैट्समैन थे वो आउट हो चुके हैं। ये देखिए इस वक्त शिवांश ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है वो आ चुकी है, जो इससे पहले किसी ने नहीं दी वो आज देंगे राहुल गुप्ता, साजिद कुरैशी, सलीम अंसारी और नौशाद खान, शाना बशाना अर्जुन स्पोर्ट और अंजुमन स्पोर्ट।
इस मरतबा अच्छी गेंद, बीट किया बैट्समैन को डॉट गेंद। प्रशांत इस मरतबा स्लॉक किया गेंद को, गैप में वन बाउंस पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन पर चार रन। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर है 6 रन, 2 विकेट के नुकसान पर डीओ 11। समय के लिए प्लीज कोऑपरेट करें क्योंकि 25 मिनट का वक्त दिया गया अक्षय 11 मालोड़ी के कैप्टन। अक्षय 11 के कैप्टन समय के लिए कॉपरेट करें। देखिए जुमा का दिन है, आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो मुकाबले 4 ओवर के कर दिए जाएंगे और हम नहीं चाहते कि कोई भी टीम 4 ओवर का मुकाबला खेले। बिल्कुल चमचमाती ट्रॉफी आ चुकी है वीआईपी मंच पर। इसी बीच अगली गेंद, हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक किया, ऑन साइड में दूसरे की मांग किए और तेज थ्रो, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए बैट्समैन ने, 2 रन पूरे किए। इस 2 की मदद से स्कोर 8 पर जा पहुंचा है। इस सीजन की सबसे खूबसूरत जो ट्रॉफी है, सबसे बड़ी जो ट्रॉफी दी जा रही है वो शिवांश ट्रॉफी में दी जा रही है। अच्छी गेंद, एक बार फिर फ्लिक कर दिया है गेंद को तेज कदमों से, 1 रन लिया, दूसरे के लिए पलटना चाहते थे और खतरे को महसूस किया था, बढ़ते कदम को वापस किया अबरार डीओ ने 1 रन। सोनू इस मरतबा रिवर्स स्वीप, बहुत ही खूबसूरत कमाल का शॉट और मिल गए वहां पर 4 रन। बहुत ही तेज बल्ला चलाया था वहां पर आदेश ने, मानो पहले ही से मन बना लिया था कि रिवर्स स्वीप खेलना है और जितनी रफ्तार में गेंद आई थी उतनी रफ्तार से शॉट को खेला था। स्कोर जा पहुंचा है 13 पर, कल बहुत करीब करीब जाकर अक्षय 11 ने मुकाबले जीते। किस्मत के बलबूते पर आज वो यहां खड़ी है। सोनू इस मरतबा ऊपर लगी है, रन की मांग की थी, मना किया खतरे को महसूस करके, डॉट गेंद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं, वहीं अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है इस ओवर में। सोनू एक और रिवर्स स्वीप, कमाल का शॉट, खिलाड़ी है आउट हो गया आदेश। हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज पर खेलना बहुत आसान है लेकिन इस ग्राउंड पर रिवर्स स्वीप पर सिक्सर लगाना बहुत मुश्किल है।
वही चाहते थे वहाँ पर आदेश और आउट हो गए, अपना विकेट गवा बैठे। तीसरा झटका लगाए डीओ 11 को, आउट होने से पहले दो बाउंड्री जड़ी, 8 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को। दूसरा ओवर अभी भी प्रगति पर, आज ग्रैंड फिनाले दिने, बाद नमाज जुमा ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। सामना कर रहे हैं अबरार सोनू का, इस मरतबा अच्छी गेंद, सीधे ब्लेड से गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑफ पर, दूसरे की मांग की है लेकिन लेजी थ्रो है, दो पूरे किए बैट्समैन ने। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर अगर हम देखते हैं तो स्कोर है 15 रन। अभी भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, नए बैट्समैन मोनिश आए हैं लेकिन आज बंसी को रोक के रखा है। समय के लिए देखिए ऑन फील्ड अंपायर, आज आपको वार्न करते रहना है, कोई भी मोहल्ला मीटिंग की परमिशन नहीं देनी है। कंटिन्यू रखा है इस वक्त प्रशांत को, आज इस मैच में तौसीफ शेख भी ने, हालांकि कल के दो मुकाबले में वो नहीं थे। प्रशांत मोनिश के लिए मुड़ते हुए, राइट आर्म ऑफ द विकेट, पहली गेंद बल्ले के फेस को खोल दिया था, शॉर्ट थर्डमेन में गेंद को उठाया 1 रन। देखिए कोशिश की जाएगी कि 40 और 45 के बीच रोका जाए, सुबह के सत्र में इस विकेट पर रन बनना बहुत मुश्किल हो रहे हैं, हमने पिछले 2 दिन से देखे। और अच्छा कांटा बदलती है गेंदें टिप्पा खाने के बाद। प्रशांत एक बार फिर, इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, उसका लाभ नहीं उठा पाए, गैप में खेला था, बहुत ही कमाल की फील्डिंग वहां पर। तीसरे के लिए पलट गए और 3 रन पूरे किए, चौथे की मांग लेकिन मना किया वहां पर, स्कोर 3 की मदद से जा पहुंचाए। 19 पर नारायण सेठ वड़पे के कैप्टन और अमान स्पोर्ट के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। प्रशांत अच्छी गेंद, इस मरतबा फुलर लेंथ की गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया, बहुत जल्दबाजी कर बैठे, 2 पूरे किए, तीसरे की मांग है और चले भी गए बैट्समैन। इस ग्राउंड पर अगर आप मिसफील्ड करते हैं तो अक्सर बैट्समैन 3 रन पूरे करते हैं। अब कहीं ना कहीं थकावट महसूस करते हुए अबरार डीओ, स्कोर है 22 रन। मौसम इस वक्त अपने अंदाज में चलता हुआ, लेकिन अंदाज बहुत जुदा है शिवांश ट्रॉफी का। बाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नहा धोकर वेलकम, सर पे टोपी है, इसका मतलब ये क्या जुमा है। इसी बीच अच्छी गेंद, बीट किया बैट्समैन को, डॉट गेंद। स्कोर 22 पर रुका हुआ। प्रशांत की एक गेंद, इस मरतबा निकल के मारा है गेंद को, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ पे, दूसरे की मांग और पूरे किए बैट्समैन ने। आज बहुत अच्छी सोच है अबरार डीओ की कि गेंद और बल्ले की मुलाकात कर रहे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज है। अगली दोनों टीमों के कैप्टन, नारायण सेठ वड़पे के कैप्टन और अमान स्पोर्ट के कैप्टन
आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। प्रशांत वीआईपी एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट अबरार डीओ के लिए। इस बार बीट किया बैट्समैन को अपनी रफ्तार से डॉट गेंद। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तीन ओवर के बाद स्कोर है 24 रन। टोटल हम बहुत कम भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते। चौथे ओवर के लिए देखना है किसे बुलाते हैं। टीम के कैप्टन जयेश को बुलाया है। सुबह का सत्र है, आज के दिन का पहला मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल मैच। जुमा का मुबारक दिन है और हसन मोमिन इस वक्त वार्म अप करते हुए। जयेश गेंदबाजी करेंगे वीआईपी एंड से, सामना करेंगे बैट्समैन मोनिश। जयेश की पहली गेंद कट किया, उस गेंद को कवर्स में खिलाड़ी मौजूद हैं। एक लिया, थोड़ा सा फंबल और दो रन मुकम्मल। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त दो की मदद से 26 पर। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बिग ट्रॉफी पहुंच चुकी है वीआईपी मंच की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। जैसा कि राहुल गुप्ता ने कहा था कि इस सीज़न जो सबसे बड़ी ट्रॉफी है वो यहां दी जाएगी, उस पर खरे साबित हुए। इस मर्तबा गेंद को ड्राइव कर दिया हल्के हाथों से, दूसरे की मांग खतरा। दो रन पूरे किए बैट्समैन ने। देखिए विकेटों की तलाश में, और अब डीओ 11 के कैप्टन भी यही सोच रहे होंगे कि एक विकेट अगर चला भी जाए तो कोई गम नहीं है, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में बहुत ही खतरनाक बैट्समैन बंसी का आना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अबरार डीओ इस वक्त अपने आप को थकन महसूस करते हुए, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप खेलते हैं तो गेंदबाजी नहीं बल्कि आपको रनिंग बिटवीन द विकेट भी सीखनी चाहिए। जयेश मुड़ते हुए मोनिश के लिए, इस मर्तबा निकल गई विकेट कीपर के पास। लेंथ गेंद थी, बीट किया डॉट गेंद। जयेश इस मर्तबा रिवर्स स्वीप, गेंद चली गई है बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। लेजी थ्रो है, दो पूरे किए बैट्समैन ने। बहुत ही कमाल की ट्रॉफी आप देख रहे हैं, शिवांश ट्रॉफी 2020। इस सीजन का सबसे बड़ा शो है लेट परशुराम टावरे स्टेडियम पर, राहुल गुप्ता का, शिवशंकर जू सेंटर का और नौशाद खान, साजिद कुरैशी, सलीम अंसारी का। इस मर्तबा एक और अच्छी गेंद, रन लिया लेकिन
ऐसा लग रहा है कि विकेट दिए दे दिया है वहाँ पर, जिस तरीके से उन्होंने दौड़ के रन पूरे किए थे, क्योंकि पूरी तरीके से वो थक चुके थे। नए बैट्समैन बंसी को ही भेजेंगे टीम के कैप्टन, जिन्होंने 12 गेंदों में 50 रन बनाए थे। नांदकर में ग्रामीण पोल में बहुत ही कमाल की उन्होंने बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए। यह अलग बात है कि उनकी टीम उसके बाद का जो मुकाबला था वह हार गई थी। अमान स्पोर्ट के कैप्टन और नारायण सेठ वड़पे के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है, नौशाद खान का ऐसा कहना है कि आज किसी को भी समय के लिए बख्शा नहीं जाएगा। स्कोर है 30 रन। जयेश एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे बैट्समैन बंसी। इस मर्तबा कुछ धीमा किया हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, बड़ा विकेट, आउट हो गए बंसी। जिनसे उम्मीद थी उनका विकेट हासिल किया है जयेश ने जाते जाते। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 30, 5 विकेट के नुकसान पर डीओ 11। देखिए, अक्षय 11 कल भी खेली, कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं रही थी, और आज भी उन्होंने सुबह का पहला मुकाबला खेल रही है और कोई एक्स्ट्रा रन नहीं दिए, और ये सबसे बड़ी मजबूती होती है आपकी टीम की। इस स्पर्धा के वन मैन आर्मी राहुल गुप्ता जुड़ चुके हैं। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं सूरज। सूरज की किरणें बहुत खूबसूरती से बिखर रही हैं और सूरज आंख मिचोली भी कर रहा है कुछ कुछ वक्त में। देखना है ये सूरज क्या करते हैं। स्कोर 30। तौसीफ शेख ने जिस तरीके से कहा था 40 और उसके अंदर रुकने की कोशिश करेंगे, अब तक उसमें कामयाबी मिली है। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है गैप में, बहुत दूर हैं खिलाड़ी, कोई मौका नहीं, 4 रन। चौके की मदद से अब राहत की सांस लिए डीओ 11 के कैप्टन ने, स्कोर 34 रन। और मैं नहीं समझता कि इस ग्राउंड पर 40 और 45 बहुत बड़ा टोटल है, क्योंकि इस ग्राउंड पर रन बहुत आसानी से बनते हैं। 1 से 2 बड़ा शॉट चाहिए होता है, उसके बाद अगर आप दौड़ कर रन पूरे करते हैं। इस इनिंग में भी आप देखिए जो रन बने वो दौड़ कर पूरे किए गए, सिर्फ 3 बाउंड्री लगी है अब तक, लेकिन सूरज का अच्छा इस्तकबाल किया वहां पर मुनीश ने। इस मर्तबा स्विंग कर दिया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद और कमाल का कैच, आउट हो गए मुनीश। मनीष थे वहां पर जिन्होंने कल अपनी कलाई का दम दिखाया था, जिसकी बदौलत अक्षय 11 मालौड़ी ये मैच खेल रही है। ये भी जब थ्रो करते हैं तब कलाई का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और एक मोनिश हैं जो राहुल गुप्ता के साथ हैं।
जुड़वा भाई हैं। कल जब मैं कमेंट्री कर रहा था तो एक शख्स ने आके पूछा कि मुनीश अक्षय इलेवन मालोड़ी में आ गए, तो मैंने कहा कि मुनीश नहीं है, वो मनीष हैं, मुनीश के भाई हैं। नए बैट्समैन शौकत आए, एक से दो इनिंग शौकत की यादगार है, देखना है आज वो क्या करते अपनी टीम के लिए। इस मर्तबा पंच कर दिया गेंद को, खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन गेंद को कैरी नहीं कर पाए, दूसरे की मांग की है और दो पूरे किए बैट्समैन ने। स्कोर अगर हम देखते हैं तो स्कोर है 36 रन और अभी भी इस इनिंग में तीन गेंदों का आना बाकी है। अमान के कैप्टन, नारायण सेठ वड़पे के कैप्टन टॉस के लिए आना है। इस मर्तबा बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे, शरीर से दूर करना चाहते थे वाइड गेंद। पहली खराब गेंद और पहली एक्स्ट्रा गेंद की है सूरज ने। तीन गेंदें अभी भी बची हैं, स्कोर अगर हम देखते हैं तो 37 रन। सूरज इस मर्तबा पंच कर दिया है गेंद को, खाली क्षेत्र में, नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी, 4 रन। स्कोर उछल कर पहुंचा है 41 पर। सूरज मुनीश के लिए इस मर्तबा आड़े बल्ले से गेंद को ड्राइव कर दिया ऑन साइड में, एक रन लिया, दूसरे के लिए गए, थोड़ा सा खराब थ्रो दो पूरे किए बैट्समैन ने। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त डीओ 11 का 43 पर। एक गेंद बची है और देखना है कि आखिरी गेंद पर कितने रन जोड़ पाती है डीओ 11। लेकिन टोटल मैं नहीं समझता हूं कि बहुत बड़ा है, लेकिन एक ऐसा टोटल तो है जिस पर आप फाइट कर सकते हैं। इस मर्तबा गेंद को पंच कर दिया है वाइड एक्स्ट्रा कवर पर, दो के लिए गए, दो पूरे, तीसरे की मांग और आउट हो गया बैट्समैन। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए डीओ 11 ने बनाए 45-46 की चुनौती है। आइए हम अगले टॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें गुलाम साबिर फैन टीम, अमान स्पोर्ट और सुनील पाटिल फैन टीम नारायण सेठ वड़पे। हमारे साथ शेरा जुड़ चुके हैं, वेलकम। नारायण सेठ वड़पे के कैप्टन, आपको आखिरी कॉल है टॉस के लिए। नारायण सेठ वड़पे, क्योंकि हमने कल ही कहा था कि वक्त पे आपको रिपोर्ट करना है, जो टीमें वक्त पर नहीं आएगी, आज नौशाद खान किसी को, नारायण सेठ वड़पे को दो रनों का पेनल्टी लग चुका है। मैच शुरू करना है, हमने कहा था कि जो टीमें वक्त पर नहीं आएंगी उन्हें पेनल्टी दी जाएगी, और हम नहीं कहते कुछ भी, जो कहते हैं नौशाद खान कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो सबसे मेन मेंबर है उनका ये कहना है।
फील्ड की सजावट करनी है। इस वक्त 46 की चुनौती है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अक्षय 11 मालोड़ी को। ओपनर बैट्समैन भेजने तौसीफ शेख टीम के कैप्टन। हमारे साथ शादाब शेख जुड़ चुके हैं, वेलकम। हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। ऐतिहासिक टूर्नामेंट इस सीज़न का आप देख रहे हैं, शिवांश ट्रॉफी 2020 में। ओपनर बैट्समैन तौसीफ शेख आपको भेजने। अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम अशोक। हमारे साथ अशोक सर जुड़ चुके हैं, वेलकम। अशोक वर्मा जी जो बहुत ही साथ साथ चल रहे हैं राहुल गुप्ता के, नौशाद खान के, साजिद कुरैशी, सलीम अंसारी के साथ साथ। देखिए, तीन मीनार जो था वो अधूरा था, लेकिन राहुल गुप्ता ने साथ में खड़े होकर उसे चार मीनार कर दिया। और चार मीनार ने क्या कमाल की ट्रॉफी सेलेक्ट की है शिवांश ट्रॉफी के लिए। दोनों ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं इस वक्त। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं विकास, स्ट्राइक पर हैं जयेश, नॉन स्ट्राइक पर हैं भावेश।
इस वक्त जो चुनौती रखी गई है डीओ 11 द्वारा वो है 46 रनों की। बहुत बड़ा टोटल भी नहीं है, बहुत छोटा टोटल भी नहीं है, एक ऐसा टोटल है जहां पर आप फाइट करेंगे। तो पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर शुरू होता हुआ विकास पहली गेंद, हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ पर खिलाड़ी हैं एक रन। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने 25 मिनट का समय दिया है और 25 मिनट में 5 ओवर मुकम्मल करने, आप अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो फिर मुकाबले 4 ओवर के कर दिए जाएंगे। विकास इस मरतबा अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे, बीट हो गए, रफ्तार में कुछ कम थी, डॉट गेंद। देखिए टोटल जो है वो बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि इस टोटल पर हमने कल देखा कि कई मुकाबले बहुत कट टू कट रहे थे और इसी तरीके के टोटल के लिए कल बहुत मुश्किलों में थी अक्षय 11 मालौड़ी। इस मरतबा गेंद की लाइन से हट गए, फ्लिक कर दिया उसे लॉन्ग लेग पर, 4 रन। स्कोर जा पहुंचा है 5 पर विकास। इस बार एक बार फिर इनफील्ड के ऊपर से करारा ड्राइव, कोई मौका नहीं, कमाल का चाबुक शॉट, 4 रन। बहुत ही डिपिकल मैंडेटरी पावर प्ले शॉट खेला था इनफील्ड के ऊपर से, कोई मौका नहीं था आदेश के पास कि गेंद को रोक पाते, और वैसे भी स्ट्रेट और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की जो आउटफील्ड है वो काफ़ी तेज़ है, एक मर्तबा गेंद इनफील्ड के ऊपर से निकल गई तो रोकना मुश्किल होता है। इस मर्तबा एक बार फिर गैप में खेल दिया है, कोई मौका नहीं है, एक और बाउंड्री। जो बच्चे स्कूल के अंदर से आ रहे हैं, आपको बाहर जाना है, टहलने का वक्त सुबह का है आरिफ गार्डन में। स्कोर 13 पर जा पहुंचा है, मैच में पकड़ बना लिए, जो दबाव था वो खत्म हो चुका है, हैट्रिक बाउंड्री जड़ी है वहां पर बैट्समैन भावेश ने। विकास एक बार फिर, लेकिन हवा में, 2 खिलाड़ी, ईद मुबारक और अच्छा कैच, गले मिल गए थे, अभी ईद को वक्त है। स्कोर है 13 रन। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 13 रन, पहला विकेट गिरा है और आउट होने वाले बैट्समैन थे भावेश। नए बैट्समैन सोनू आए, सलमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनेश कुक से के, आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है, आज जुमा का दिन है ये साबित हो रहा है उन्हें देखकर। ब्लैक आउट, ब्लैक आउटफिट।
सोनू कहते हैं कि सलमान वो तजुर्बों से तरीका निकाल देता है, उदासियों में भी रास्ता निकाल देता है, और बहुत बुरा है मोहब्बत में टूट कर चाहने वाला ये दिलों से तमन्ना निकाल देता है, और आप पास आए तो दुनिया हसीन लगती है, बिछड़ जाए तो कलेजा निकाल देता है। एक ओवर के बाद स्कोर है 13। देखिए प्लीज समय के लिए कॉपरेट करना है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको पहला कॉल दे रही है। सलमान ऐसा है कि ट्रॉफी इतनी खूबसूरत है कि अब कोई भी यहां से जाना नहीं चाहता, मुंह में पानी आ चुका है सभी टीमों के, लेकिन देखना है कि इस ट्रॉफी को उठाता कौन है। आदेश की पहली गेंद बीमर नो घोषित किया है, और ये देखिए बैकअप भी अच्छा नहीं, 2+1 3 नो गेंद पहली कर बैठे बीमर। 46 की चुनौती है सेमीफाइनल में जाने के लिए। इस ओवर के बाद हम टॉस करेंगे, स्कोर 16 पर जा पहुंचा है। फ्री हिट का इशारा किया वहां पर अंपायर ने, आदेश किए गेंद इस मर्तबा दूर से खेले बैट्समैन, ऑन साइड में डीप मिड विकेट में गेंद को उठाया, लेजी थ्रो है, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 2 की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 18 पर। टोटल अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा है, मैच में अगर पकड़े तो वो अक्षय 11 मालोड़ी किए, इससे पहले भी सेमीफाइनल मुकाबला खेल चुकी है। वराल देवी स्पोर्ट का खेली थी, इस सीजन 2 सेमीफाइनल खेले अक्षय 11 मालौड़ी ने। 2 टीमें बहुत अच्छी उभर कर आई हैं सिटी मर्जिन में, एक अक्षय 11 मालौड़ी और एक युग 11। आदेश उनकी ये गेंद इस मर्तबा बैक टू द बॉलर, लेकिन कैच का मौका बना था, छूट गया 1 रन। स्कोर अगर हम देखते हैं तो स्कोर है 19 रन। समय के लिए कॉपरेट करें क्योंकि आज जुमा का दिन है। इस ओवर के बाद हम टॉस करेंगे, दोनों टीम के कैप्टन नारायण सेठ वड़पे के कैप्टन और गुलाम साबिर फ्रेंड टीम अमान स्पोर्ट के कैप्टन, आपको तैयार रहना है। आदेश इस मर्तबा बाहर की तरफ कटी थी, बहुत ज्यादा कटी वाइट, स्कोर है 20 रन, जीतने के लिए 26 चाहिए। पूरी तरीके से मैच को अपने पक्ष में कर लिया है। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, बाहर की तरफ कटी थी, नहीं किया डायरेक्ट हिट, लेग बाय की शक्ल में 1 रन किया फिट। स्कोर 21 रन, आदेश एक बार फिर वीआईपी एंड से, इस मर्तबा गेंद की लाइन में आए, गेंद को उछाल दिया, खिलाड़ी मौजूद हैं, और अच्छा कैच, आउट हो गया बैट्समैन। सोनू की पारी समाप्त होती हुई, लेकिन अच्छा साथ निभाया जयेश का।
चार गेंदों का सामना किया, पांच रनों का योगदान दिया नए बैट्समैन शादाब शेख आए हैं, अल्ताफ शेख के भाई हैं, अल्ताफ शेख के दो भाई हैं इस टीम में, तौसीफ शेख भी उनके भाई हैं। स्कोर अगर हम देखते हैं तो 21 रन हुए, दूसरी ओवर का खेल अभी भी जारी है। मैच में पकड़ अगर आप देखते हैं तो अक्षय 11 मालोड़ी की है, और यहां से डीओ 11 को अगर वापसी करनी है तो दो से तीन विकेटें और हासिल करनी होगी दबाव बनाने के लिए, ताकि दबाव में आने वाला जो बैट्समैन है वो दब जाए। आदेश आदेश, इस मरतबा बैकफुट पर चले गए, पंच किया उस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद हैं, बंसी एक रन लिया है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 22 पर। आप देख रहे हैं शिवांश ट्रॉफी 2020 का फाइनल डे, सामना कर रहे हैं बैट्समैन शादाब। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया आपने, स्ट्रोक को चेक किया, एक रन। देखिए हड़बड़ाहट अभी भी है जिस तरीके से थ्रो किए जा रहे हैं। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर 23 रन। आइए हम अगले टॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें गुलाम साबिर फैन टीम अमान स्पोर्ट और सुनील पाटिल फैन टीम नारायण सेठ वड़पे। आइए इस स्पर्धा को जिन्होंने आप तक पहुंचाया है, जिनकी बदौलत ये कप आप तक पहुंचा है, हम शिवशंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता सर और अशोक वर्मा सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको हमारे टॉस बॉक्स में जुड़ना है। ये सिक्का है जिस पर एक तरफ शिवांश ट्रॉफी 2020, एक तरफ राहुल गुप्ता। शिवांश ट्रॉफी कहना है और आया भी शिवांश ट्रॉफी, ये सिक्का आपको देना है अशोक वर्मा, और ये कैप राहुल गुप्ता आपको देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि वीआईपी मंच की खूबसूरती को बढ़ाना है। टॉस जीता है, बड़ा मैच है, क्या करने जाएंगे? फील्डिंग करेंगे। गेंदबाजी करने का रीजन बता सकते हैं? सामने वाली टीम एक अच्छी टीम है, उसके सामने कम से कम रन पे रोकने का कोशिश करेंगे। कौन से वो गेंदबाज हैं ऊपरी क्रम के जो कम से कम रोकने में आपकी मदद कर रहे हैं? अजय और रोहित। टीम पूरी तैयारी के साथ है? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया है नारायण सेठ वड़पे के कैप्टन। अब हम जुड़ रहे हैं राजू के साथ, टिकटॉक स्टार। आपको पहले बल्लेबाजी दी गई है, टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग करता। और आपको बल्लेबाजी दी गई है, आपकी जो मन की मुराद थी वो आपको नहीं मिली है, प्लान बी को किस तरीके से इस्तेमाल करने जा रही? बहुत अच्छा यूज करेंगे क्योंकि मेरे सब बैट्समैन फॉर्म में है, 50 प्लस जाने की कोशिश करेंगे। 50 के ऊपर जाने के लिए दैवत देखिए, हम देखने के दो तीन टूर्नामेंट से उतना अच्छा खेल नहीं दे रहे, तो और उनको छोड़कर कौन से वो बैट्समैन हैं जिनके ऊपर आपकी उम्मीदें? स्वप्निल है, विशाल है, विशाल जूनियर है। एज अ कैप्टन ये बताइए कि अगर मुकाबला कहीं फंस जाता है तो क्या आप गेंदबाजी करेंगे? इंशाल्लाह जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे अमान स्पोर्ट के कैप्टन। द न्यूज फ्रॉम द टॉस, नारायण सेठ वड़पे विन द टॉस, दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। भाग गया वहाँ, मेरे को फोन आना मना कर दिया, मैं जबान दे दिया था, मेरे को मैं यहाँ जबान दे दिया।
दिया था खान वालों को, और खान वाले पहली मरतबा अपने को कमेंट्री दिए थे खाली बार में। बोला नहीं जाऊंगा भाई, मैं नहीं गया, मैं कल वहीं था खाना रात में। मोनिश उनकी ये गेंद, कमाल की गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, दर्शनीय गेंद, आपकी निगाहों में रच और बस जाने वाली गेंद। स्कोर है 23 रन, अभी भी 23 और चाहिए, सॉरी 25 रन। एक और अच्छी गेंद, सेन वॉन की याद दिला रहे हैं, जिस तरीके की उनकी गेंदें कट रही हैं। अबरा डियो है, पूरा शहर टहलते हैं और एक हीरा निकाल के लाते हैं और सामने लाके खड़ा कर दिया है। और ये जो मैच है अब धीरे धीरे करीब हो रहा है, दोनों टीमें अब करीब हो रही हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मैच, इस मरतबा मन बना लिया था लेकिन खड़े नहीं उतरे उस पर एक रन लेग बाय की शक्ल में। ऐसी स्थिति में होता ये सलमान के बैट्समैन अपने आप को बचाते हैं। स्कोर 26 पे जा पहुंचा है, 20 और चाहिए, मैच आखिरी ओवर में जाना तो तय। मोनिश इस मरतबा आप गेंद को लिया पड़, उस पे दिया जड़ और आए रन 4, स्कोर गया बढ़। स्कोर जा पहुंचा है 30 पर। अब मुकाबला जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। कल अक्षय 11 मालोड़ी ने इसी तरीके के मैच खेले, एक में 3 चाहिए थे, मनीष ने आकर गोल्डन सिक्सर लगाया, कलाई का दम दिखाया और अक्षय 11 मालोड़ी को यहां तक पहुंचाया। एक बार फिर गेंद की लाइन में आए, गेंद को खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग पर, दूसरे की मांग, मना किया है वहां पर, अब जाकर रन की मांग की है लेकिन खतरा हो सकता है, यस आउट हो गए बैट्समैन। स्कोर अगर हम देखते हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद तो टोटल स्कोर है 31 रन, 12 गेंदों में 15 चाहिए और मैच अब पूरी तरीके से बना हुआ है, क्योंकि इस ग्राउंड पर बड़े शॉट खेलना बहुत मुश्किल होता है। सुबह के सत्र में, शाम में जो मुकाबले होते हैं वहाँ हवा की जो मदद होती है उससे हमने देखा कि पहले दिन SB स्पोर्ट्स समरू बाग ने 85 चेस किया और 5 गेंदें बाकी रखी थी। नए बैट्समैन मंदार आए हैं, देखिए आपके पास जब तौसीफ शेख जैसा बैट्समैन हो तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में रोकना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपके पास हथियार है तो आप इस्तेमाल कीजिए, आप उसे रख के क्या करेंगे, रखेंगे तो वो जंग पड़ जाएगा, इसलिए हथियार को जब आप वक्त पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप हर जगह कामयाब होते हैं। स्कोर 31 रन, गेंदबाजी के लिए आदेश, भिवंडी टाइगर के सामने 12-16 का जब इक्वेशन था, मेडन ओवर किया था, ये देखिए वाइड गेंद, वाइड तो ऐसा ही है कि आपका सर का दर्द बढ़ता है जो क्रोसिन से नहीं जाता है सलमान, लेकिन कमाल की ट्रॉफी आप देख रहे हैं, कमाल का कप है और कमाल के राहुल गुप्ता हैं, कमाल के नौशाद खान, साजिद कुरैशी और सलीम अंसारी।
इस मरतबा अपने स्ट्रोक को चेक करना चाहते थे। बीट किया बैट्समैन को डॉट गेंद। मौसम भी अपना कांटा बदल रहा है। सूरज बादलों के पीछे से झांकता हुआ, बहुत ही सुहाना मौसम है और हवाएं बहुत अच्छी बह रही हैं। वातावरण मंदावे लेला। आदेश, अच्छी गेंद इस मरतबा। सवाल और मांग तो की थी वाइट की, लेकिन अच्छी गेंद, बीट किया डॉट गेंद। स्कोर 32 पर अभी भी रुका है। अब मैच पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। दोनों टीमें अब मैच में बन चुकी हैं। आदेश, इस मरतबा गेंद के आने का इंतजार। लेट कट किया, एक रन लिया और एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर 33 पर। नौ तेरह का इक्वेशन है। कुछ यही स्थिति कल अक्षय 11 मालोड़ी के साथ रही थी। इस मरतबा बहुत ही अच्छी गेंद, बीट वे डॉट गेंद। यही तो आदेश हैं जिन्होंने कई मैच डीओ 11 को जितवाए सिर्फ अपनी कटर गेंदबाजी से। लेकिन उससे भी खतरनाक गेंदबाज मोनिश को उन्होंने आज लॉन्च किया है, जिस तरीके से श्रीलंका ने किया था अजंता मेंडिस को। इस मरतबा बल्ले के ऊपर लगी, कैच किसने लिया? आरिफ ने। सबसे बड़ी बात ये कि कैच लेने के बाद वो खड़े थे। तेरह रन चाहिए, बची हुई सात गेंदों में मैच काफी गर्म है। कौन कह सकता था ये मुकाबला इतना करीब जाएगा, लेकिन जा चुका है। हिट हो रहे हैं राहुल गुप्ता, हिट हो रहा है शिव शंकर जूस सेंटर, हिट हो रहे हैं नौशाद खान, हिट हो रहे हैं साजिद कुरैशी, हिट हो रहे हैं सलीम अंसारी, हिट हो रहे हैं अशोक वर्मा, हिट हो रही है शिवांश ट्रॉफी, हिट हो रहे हैं अंजुमन स्पोर्ट और हिट हो रहे हैं अर्जुन स्पोर्ट। आदेश, बहुत कीमती गेंद है। आदेश, इस मरतबा अंधाधुंध चलाया है, लेकिन ज्यादा कटी वाइट। धुंध्रपान ना करे ना करने दें, धुंध्रपान पड़ेगा महंगा। टीम का कैप्टन कहता है ना वाइट करे ना करने दें, वाइट पड़ेगा ऐसी स्थिति में महंगा। स्कोर 34 रन, कमाल का मैच। इस मरतबा बल्ले के बीचों बीच नहीं है, एक ले लिया है, एक से ज्यादा कुछ नहीं। अब छह गेंदे बची हैं और जीतने के लिए जो रन है वो 11 रन। बहुत ही कट टू कट मैच, कश्मकश। समय के लिए प्लीज कोऑपरेट करना है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको कॉल दे रही है। डीओ 11 के कैप्टन, दो वाइट गेंदे की, उसके बाद भी सिर्फ चार रन खर्च किए। लेकिन अबरार डीओ की जो दिल की धड़कने वो तेज हो चुकी है। जब से उन्होंने ट्रॉफी को देखा है वो एक मरतबा राहुल गुप्ता को देखते हैं और एक मरतबा ट्रॉफी को देखते हैं और फिर अपनी तबीयत को ऑल इज वेल कह रहे हैं। बहुत ही कट टू कट मैच। अरे ये बुड्ढे लोग जूनियर खेल रहे हैं, ये बुड्ढे लोग जूनियर खेल रहे हो।
मैच शुरू करना है प्लीज। 6 गेंदे और अक्षय 11 मालोड़ी को चाहिए 11 और चेसिंग कंपलसरी है। दोनों टीम के कैप्टन इस बात का ध्यान दे 11 आपको पूरे बनाने, अगर आप 10 भी बनाते हैं तो मुकाबला हार जाएंगे। पिंटू पाटिल पहली गेंद पल लेकिन अनसक्सेसफुल। अच्छा बैकअप दिया है वहां पर, दो पूरे किए, तीसरे की मांग और आउट हो गए बैट्समैन। देखिए बड़ा विकेट गिरा है कब, जब टीम को जरूरत थी तौसीफ शेख को, गोल्डन डक पर आउट हो गए। अब 5 गेंदों में जो रन चाहिए वो है 9 रन। कल 6 गेंदों में ऐसी स्थिति में 9 आए थे, आज 5-9 का इक्वेशन है। मैच शुरू करना है नए बैट्समैन, कल के हीरो, 1 पे 3 चाहिए थे और सिक्सर जड़ा था। पांच नौ कमाल का मैच, ट्रॉफी क्या आई है कि मैच कट टू कट होने लगे। अभी तक सिटी इमर्जिन में ऐसी ट्रॉफी नहीं दी गई जो आज दी जाने वाली है ग्रैंड फिनाले वाली टीम को, विनर रनर और थर्ड। पांच नौ पिंटू पाटिल शादाब शेख के लिए इस मरतबा हो लगा दिया, शॉट में था दम, मिला मैक्सिमम। रन क्यों नहीं लिया था ये बताया है शादाब शेख ने, सिर्फ 3 चाहिए बची हुई 4 गेंदों में। अब तौसीफ शेख नाखुश नहीं होंगे। बिल्कुल 5 गेंदे डॉट की थी लेकिन 1 मारा सॉलिड मारा, सब बराबर, और 1 ही तो अच्छा ही रहती जिससे 100 गलतियां आपकी छुप जाती। 4-3 पिंटू पाटिल इस मरतबा अच्छी गेंद। अब 3-3 चेसिंग कंपलसरी है, कई मर्तबा एक सॉलिड रहता है लेकिन आपकी मुश्किलें खड़ी कर देता है। जो टीम इतना करीब जाके हारती है उससे पूछिए उसे दर्द कितना होता है। पिंटू पाटिल अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, शौकत है मिस फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन और डीओ 11 इसी स्पर्धा।